पांच राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए आम चुनाव का परिणाम आने के बाद खुश कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। वर्ष 2014 के चुनाव के बाद तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने ढोल ताशे के साथ जश्न मनाया। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने डुमरियागंज के कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने फटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस मौके पर जश्न मना रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, युवा हमारे साथ है और 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। नतीजों से ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और जुमलेबाजों को करारा जवाब देगी। में जिस तरह से लहर देखी जा रही थी उसके विपरीत भी बहुत अच्छा पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है और वहाँ पर जो पिछली सरकार थी, वसुंधरा की सरकार थी, उसके कार्यकाल पर जनता ने वहाँ उनको भरपूर वो दिया है, जनादेश दिया कांग्रेस पार्टी को और हमारी तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया लगभग 2019 में तय माना जा रहा है। 2019 में युवा, किसान सब मिलजुल करके कांग्रेस के सरकार बनाने का कोशिश करेंगे।